शर्मा, शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा के ब्रोशर पर दिग्विजय सिंह का फोटो है। दिग्विजय सिंह ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को अपना फोटो न लगाने को लेकर एक पत्र लिखा था। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों में अपना फोटो न लगाने की बात लिखी थी। पीसीसी के छपवाए गए ब्रोशर पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की फोटो है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों में अपनी फोटो न लगाने की बात दिग्विजय सिंह ने लिखी थी। कमलनाथ को पीसीसी अध्यक्ष को यह पत्र उन्होंने लिखा था और मांग की थी कि उनकी फोटो भारत जोड़ो पदयात्रा के लिए बनाए जा रहे पोस्टर्स पर, बैनर्स पर न लगाई जाए। अब भारत जोड़ो यात्रा के ब्रोशर पर दिग्विजय सिंह की फोटो लगी हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने इसके लिए पत्र भी लिखा था पीसीसी चीफ को और उनसे उनकी तस्वीर न लगाने का अनुरोध किया था। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को अपना फोटो न लगाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने यह पत्र लिखा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन जो ब्रोशर जारी हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, और इसी महीने जिस तरह से नवंबर में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरेगी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो कि इस पूरी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, इस यात्रा की अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी होंगे शामिल इस यात्रा में। और आपको बता दें, उसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम प्रमुखता से आगे है, लेकिन जो प्रचार के लिए पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बैनर बनवाए गए हैं इस यात्रा के संबंध में, उन पर दिग्विजय सिंह ने अपील की थी कमलनाथ से कि उनकी तस्वीर ना लगाई जाए, लेकिन उनके इस अनुरोध के बावजूद जो बैनर, पोस्टर जारी किया गया है, जो ब्रोशर जारी किया गया है, उसमें जो ब्रोशर छपाया गया उसमें दिग्विजय सिंह की फोटो लगी हुई है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की फोटो लगा हुआ ये ब्रोशर जारी हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर पत्र भी लिखा था पूर्व सीएम कमलनाथ को, पीसीसी चीफ को उन्होंने पत्र लिखते हुए अनुरोध किया था कि ब्रोशर पर, किसी भी तरह के बैनर पर, होर्डिंग पर उनकी तस्वीर ना लगाई जाए, लेकिन उनकी तस्वीर पेस्ट कर दी गई है। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि उनके फोटो को ना लगाया जाए प्रचार सामग्री में, लेकिन जो ब्रोशर जारी हुआ है उसमें उनकी फोटो लगी हुई साफ नजर आ रही है, अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह का अनुरोध था और दूसरी तरफ अब ये सामने आया है ब्रोशर। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी विचित्र स्थिति है। जब खुद दिग्विजय सिंह ये बात कह रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पत्र लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माना जाना चाहिए था कि इस चीज से बचा जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो नई जिम्मेदारियों का गठन हुआ है उसमें दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है, वो प्रदेश के एकमात्र ऐसे चेहरे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी सीनियरिटी के लिहाज से ये ब्रोशर में उनको जगह दी गई है। लेकिन हम देखें तो उन्होंने पोस्टर और होर्डिंग्स की बात की थी और ये ब्रोशर्स हैं, तो ये बड़ा अंतर है शायद, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला गया है इसको लेकर जिसमें उनको जगह दे दी गई। लेकिन अभी देखना ये होगा कि जब पोस्टर और होर्डिंग्स लगना शुरू होंगे, यात्रा शुरू होगी, तब क्या दिग्विजय सिंह के पत्र के लिहाज से उनको जगह दी जाती है या नहीं दी जाती है। जैसा उन्होंने मना किया है तो क्या कोशिश की जाएगी कि उनको नहीं रखा जाएगा पोस्टर होर्डिंग्स में, पर फिलहाल ब्रोशर्स की बात है तो कहीं ना कहीं शब्दों का हेरफेर इसे कह सकते हैं या दिग्विजय सिंह का सम्मान रखने की कोशिश भी। जी बिल्कुल, सम्मान रखने की कोशिश निश्चित तौर पर की गई है। फिलहाल देखना होगा कि आगे जब ये यात्रा आती है, मध्य प्रदेश में होकर के गुजरती है, उसके बाद क्या उनकी जो तस्वीर है वो बाकी बैनर पोस्टर पर नजर आती है। अनुराग, क्या इसे इस तरह से भी लिया जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी बात तो जरूर रखी थी, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि सम्मान को बरकरार रखने के लिए उन्हें इस ब्रोशर में जगह दी गई है, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह ये भी माना जा सकता है, क्योंकि वो बहुत मुखरता से अपनी बात पार्टी फोरम में शुरुआत से रखते रहे हैं, जब ये ब्रोशर जारी हुआ है तो उनकी तरफ से भी इस पर क्या किसी तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है? चलिए अनुराग से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पीसीसी के छपाए गए ब्रोशर पर दिग्विजय सिंह की फोटो लगी हुई है और उन्होंने पहले ही अनुरोध किया था पीसीसी चीफ कमलनाथ से कि जो भी प्रचार सामग्री का निर्माण किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, उसमें उनकी फोटो ना लगाई जाए। इस पर काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था और कहीं ना कहीं अब जब ये ब्रोशर सामने आए हैं तो इसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के अनुरोध को क्या स्वीकार नहीं किया गया पीसीसी की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। और आगे जब होर्डिंग्स और बैनर्स और पोस्टर्स इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और जारी किए जाएंगे, तब भी हमको क्या दिग्विजय सिंह की तस्वीर इनमें देखने को मिलेगी इन तमाम प्रचार सामग्रियों में, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अभी जो ब्रोशर जारी हुआ है उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से कमलनाथ को पत्र लिखा था और ये अनुरोध किया था उनसे कि प्रचार सामग्री में उनकी तस्वीर को स्थान ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनके इस अनुरोध को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है और प्रचार सामग्री में उन्हें जगह दी है। फिलहाल तो सिर्फ एक ब्रोशर सामने आया है। आगे जैसे जैसे इस पूरी यात्रा का काउंटडाउन शुरू होगा, मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी उस समय आपको बता दें और भी बैनर पोस्टर जारी होंगे, तब देखने वाली बात होगी कि क्या उन तमाम बैनर पोस्टरों में दिग्विजय सिंह की फोटो यथावत नजर आती है जैसे इस ब्रोशर में है।